25 न्यूज के साथ आज हम आपको पंजाब असेंबली की तारीख के बारे में बताएंगे। पंजाब असेंबली का कयाम पाकिस्तान से कबल हुआ। क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक यहां 20 वज़राए आला का राज रहा। पंजाब असेंबली में सबसे पहले वजीर आला नवाब इफ्तखार हुसैन थे, जो 1947 से 1950 तक वजीर आला रहे। 1972 से 1977 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़राए आला ने असेंबली में राज किया। 1985 में नवाज शरीफ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के जानिब से वजीर आला बने। इनके बाद गुलाम हैदर वाई, मियां मंजूर वट्टू, सरदार आरिफ निकई वजीर आला पंजाब के ओहदे पर रहे और मियां मंजूर वट्टू 3 मर्तबा वजीर आला पंजाब रहे। 1997 से 1999 तक शहबाज शरीफ पहली मर्तबा वजीर आला पंजाब बने। 2003 से 2007 तक मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली में वजीर आला का ओहदा संभाला। इनके बाद 2008 में चंद माह के लिए दोस्त मोहम्मद खोसा भी वजीर आला की हैसियत से पंजाब असेंबली में रहे। 2009 से 2013 और 2013 से 2018 तक पंजाब असेंबली में वजीर आला का ताज शहबाज शरीफ के सर पर सजा। पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन 2018 के बाद देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पहली मर्तबा बड़ी जमायत बनकर सामने आई है, इस बार वजीर आला का ओहदा किसका मुकद्दर बनता है। हिना सदफ, 25 न्यूज, लाहौर।